ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी लोग नित्य पूजा करते हैं और आपके मन में ऐसे सवाल भी आते होंगे। वैसे ये इंसान का नेचर ही होता है कि अगर उसके मन में कोई बात आई है या उसे कुछ ऐसे संकेत मिलने लगते हैं या उसके कोई बात पता चलती है तो उसे ऐसा लगता है कि शेयर करना चाहिए। जैसे उसके जीवन में कोई घटना घटित होती है और कुछ ऐसी घटना घटित होती है जो हमेशा नहीं होती है, या ये सोचिए कि किसी के साथ नहीं होती है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि आपके साथ में कुछ इस तरह से घटनाएं होंगी। तो इस तरह की घटना को हर व्यक्ति शेयर करना चाहता है, हर व्यक्ति बताना चाहता है एक दूसरे से कि मेरे साथ में इस तरह से घटित हुआ था। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हमें किसी ईश्वरीय शक्ति का संकेत मिलता है, कोई दैवीय शक्ति हमारा साथ देने लगती है, अपना आशीर्वाद देने लगती है किसी भी माध्यम से, माध्यम कुछ भी हो सकता है, माध्यम दीपक में फूल बनना हो सकता है, माध्यम स्वप्न हो सकता है, माध्यम ये हो सकता है कि आपके जीवन के कुछ ऐसे कार्य जो कभी बन ही नहीं सकते थे या बन सकते थे लेकिन उनका बनना बहुत मुश्किल था और बहुत आसानी से बन जाएं। तो इस तरह के संकेत जब मिलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी बातों को शेयर करें, हम लोगों को बताएं कि देखो हमारे साथ में इस तरह से हुआ, हमने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, या इस तरह से हमारे दीपक में फूल बना, या हमारे हमको ऐसे संकेत मिले भगवान की पूजा में, नित्य पूजा में या मंत्र जप में हमें ऐसा होने लगा है। आपने देखा भी होगा कई लोग ऐसे भी हैं कि वो मंत्र जप शुरू करेंगे नहीं लेकिन उससे पहले सभी को बताना शुरू कर देते हैं कि अब हम तो मंत्र जप करने जा रहे हैं, इतने दिन तपस्या करेंगे और सुबह उठना शुरू कर दिया है, कल से सुबह उठना है हमें, और मतलब अपनी व्यस्तता दिखाएंगे, मतलब अपने आप का शो ऑफ करेंगे कि अब कल से हमें सुबह उठना है, भैया हम जा रहे हैं सोने, हमें सुबह उठना है, सुबह मंत्र जप करना है। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि भगवान के लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वो भगवान और आपके लिए ही होता है, उसमें तीसरा व्यक्ति कोई शामिल नहीं हो सकता है। आपकी भक्ति भगवान के प्रति है, भगवान का आशीर्वाद आपके प्रति है, उसमें तीसरा व्यक्ति शामिल अगर हुआ तो जो संकेत आपको मिलते हैं हो सकता है वो मिलना बंद हो जाए। ऐसा नहीं है कि मिलेंगे ही नहीं, ये भी हो सकता है कि आप अपने संकेतों को अगर शेयर करेंगे तो आपको संकेत मिलते भी रहें, और ऐसा भी होता है कि आपको संकेत मिलना बंद हो जाए। ज़्यादातर लेकिन ऐसा ही होता है कि आपको संकेत मिलना बंद हो जाते हैं। इसीलिए अगर आपको कोई दैवीय शक्ति का कोई संकेत मिलता है तो उसे शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर शेयर करना पड़े तो हमें किससे शेयर करें, सबसे बड़ी बात ये भी आती है। तो अगर आपको शेयर करना है तो आप उनसे शेयर कर सकते हैं जिनके माध्यम से आपने मंत्र जप करना शुरू किया है, या जिनके मार्गदर्शन में आपने पूजा पाठ में कुछ बदलाव किए हैं, जो एक गुरु की तरह आपका मार्गदर्शन कर रहा है, उनसे आप अपने चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, अपने संकेतों को शेयर कर सकते हैं। लेकिन आम जन से अगर आप जैसे अपने ऑफिस में, अगल बगल में या अपने मित्रों से कुछ शेयर करेंगे तो हो सकता है आपको संकेत मिलना बंद हो जाए, या संकेतों के माध्यम से दैवीय शक्तियाँ जो आपको बताना चाहती हैं वो बंद हो जाएँ। देखिए, हर चीज़ का संकेत होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। जब आप पूजा पाठ करते हैं, अगर आपका दीपक बुझ जाता है तो उसका भी कुछ संकेत होता है, दीपक हाथ से छूट जाता है, घी गिर जाता है, उसका भी संकेत होता है। कभी कभी पूजा करते हैं तो सिंदूर लगाने के लिए हम भगवान को उठाते हैं तो सिंदूर गिर जाता है, पूरा फैल जाता है नीचे, कुमकुम फैल जाता है, चंदन फैल जाता है, जल अर्पित करने बैठते हैं तो जल फैल जाता है। तो देखो, होता ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो सकता है आपके अंदर अशुद्धियाँ हो, या ये हो सकता है कि कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति जो बहुत ज़्यादा हावी हो आपके घर में वो आपकी पूजा पाठ में बाधा डाले, जिससे आपकी पूजा पाठ का अनुष्ठान ना हो पाए, पूर्ण रूप से हो ना पाए, जिससे जो दैवीय शक्तियाँ हैं उनकी शक्ति बढ़े और उन नकारात्मक शक्तियों को आपके घर से जाना पड़े। तो ये ऐसे भी कारण हो सकते हैं, होने को सब कुछ हो सकता है, लेकिन क्या जीवन में आपके घटित हो रहा है एग्जैक्टली, ये आप ही अनुभव कर सकते हैं। देखिए, पूजा पाठ में गुरु बनाना तब बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है
जब हमें कुछ पता ही ना हो, हम बिल्कुल बेवकूफ़ हैं, हमें कुछ पता ही नहीं, हमें यह भी नहीं पता कि दीपक कैसे जलाते हैं, हमें यह भी नहीं पता उसमें घी का जलाएं तेल का जलाएं, बाती कौन सी लगाएं, बाती बनाना नहीं आता है, तो फिर आपको गुरु की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप मंत्र जप कर लेते हैं, मंत्र का उच्चारण कर लेते हैं, पूजा पाठ में जो अनुष्ठान होते हैं वो सारे कर लेते हैं, तो शायद आपको गुरु की आवश्यकता ना पड़े नित्य पूजा के लिए और साधारण मंत्र जप के लिए। कोई विशेष साधना करनी हो, कोई तांत्रिक साधना करनी हो, या कोई दैवी शक्तियों को सिद्ध करना चाहते हो, तो हो सकता है आपको गुरु की आवश्यकता पड़े, क्योंकि जिन्होंने ये चीज़ें सिद्ध कर रखी हैं वही आपका मार्गदर्शन करके आपको सिद्धियां दिला सकते हैं। अन्यथा ऐसे गुरु आपको बहुत मिल जाएंगे जो ज्ञान देने वाले हैं, उन्होंने भले कुछ सिद्धि किया हो या ना किया हो। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है, जो व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव नहीं कर पाया अपनी पूजा पाठ से, वो दूसरों के जीवन में बदलाव करने या उनको बताने का कोई मतलब नहीं बनता। जो व्यक्ति अपना जीवन नहीं बदल पाया तो दूसरों का जीवन बदलने के बताने के लिए कोई मतलब नहीं बनता है। अगर हम अपने जीवन में पूजा पाठ के माध्यम से या मंत्र जप के माध्यम से कुछ बदलाव नहीं कर पाए, या जो हमें संकेत मिले उन संकेतों को समझ के अगर हमने अपने जीवन नहीं बदल पाया, तो दूसरों के बता के या उनका जीवन बदला के कोई फ़ायदा नहीं, आप बदला भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जो घटनाएं आपके साथ में कभी नहीं हुई उन दूसरों को आप नहीं करवा पाएंगे। अभी आप देखिए YouTube में बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे गुरु ऐसे मिल जाएंगे जो बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, ये सिद्धि कर लो, वो सिद्धि कर लो, दो दिन में ये आपके पास चला आएगा, बस इतना कर दो, वो देखो दौड़ता चला आएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कुछ लोग बस यही बताते रहेंगे कि ये भगवान आपका ये मदद कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, बस ये कर लो, वो कर लो। तो देखिए, छोटी छोटी चीज़ों से अगर सभी चीज़ें बदल जाती या इतने आसानी से सब कुछ बदल जाता, तो शायद कोई व्यक्ति दुखी नहीं होता। अगर आपको अपने जीवन में बदलाव करना है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तपस्या करनी पड़ती है। अब जो व्यक्ति YouTube पे आपको ऐसा बता रहे, वो तो अपना जीवन तो कभी बदल नहीं पाए, उनके खुद के जीवन में वो अपने खुशियाँ नहीं पा पाए, अपने कष्टों को दूर नहीं कर पाए, तो खाली दूसरों को इसलिए ज्ञान देना ज़रूरी नहीं होता है कि हम तो कुछ कर नहीं पाए, बस दूसरों को ज्ञान देते रहो, उस ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं बनता है। जैसे हम अपनी कुछ बातों को शेयर करते हैं, जैसे आप ही हैं, आपने घर में किसी की तबीयत खराब हुई, जैसे जुकाम हुआ बच्चों को, तो आपने कौन सा सिरप दिया, तो अगर उससे बच्चों को आराम मिलता है तो आप दूसरों को सजेस्ट करते हैं ना कि ऐसा करो, आप ये सिरप ट्राई करके देखना, इससे तुरंत खांसी ठीक हो जाती है। तो ये एक अनुभव हो जाता है कि आपने अपने जीवन में उसको उतारा और आपको सफलता मिली और आपने गुरु बन के एक व्यक्ति को ज्ञान दिया और उसको भी लाभ मिला। तो वही बात है, अगर आप अपने जीवन में बदलाव कर सकते हैं तो ही आप दूसरों को समझा सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में बदलाव ही नहीं कर पाए तो दूसरों को समझा के कोई फ़ायदा नहीं। पूजा पाठ एक माध्यम है, पूजा पाठ एक तरह से आप ये सोचिए कि मोबाइल का रिचार्ज है। जैसे रिचार्ज का अर्थ चार्जिंग है मोबाइल की, मोबाइल की चार्जिंग के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं, वो बिल्कुल निष्क्रिय है। लेकिन एक बार जब चार्ज हो जाता है ना, तो आप उसमें क्या क्या कर लेते हैं, वैसे ही पूजा पाठ है। पूजा पाठ वैसे कुछ नहीं है, लेकिन वो एक चार्जिंग जैसे, मतलब आपको चार्ज कर लेते हो, अपने आप को चार्ज कर लेते हो, अपने जीवन को चार्ज कर लेते हो। उसके बाद में आप कुछ भी करो, आपको हर चीज़ करने के लिए मिलेगा। जैसे डिस्चार्ज होने लगो फिर पूजा पाठ करने लगो, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अपने जीवन में पूजा पाठ को एक चार्जिंग की तरह इस्तेमाल करिए, फिर देखिए आपके जीवन में कितना बदलाव होता है। कर्म आपको करना ही पड़ेगा, कर्म से पीछे हट गए तो कुछ नहीं मिलेगा। खाली पूजा पाठ में ही लगे रहे तो भी कुछ नहीं मिलेगा। आपको मोक्ष मिल सकता है, लेकिन सांसारिक सुख नहीं मिल सकता है। और जो वीडियो देख रहे हैं वो सभी सांसारिक सुख पाना चाहते हैं, कोई भी मोक्ष नहीं पाना चाहता है। जो मोक्ष पाना चाहता है वो वीडियो चक्कर में नहीं पड़ता है। तो सांसारिक लालसाएं सभी की होती हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई तीसरा व्यक्ति हो, क्योंकि संसार में आए हैं तो सामाजिक जीवन में रहना ही रहना है, सांसारिक लालसाओं के साथ में जीवन व्यतीत करना ही करना है। सब कुछ छोड़ के बाबा बन जाना बहुत आसान है, लेकिन सबके साथ में भगवान को नमन करना, भगवान को याद करना, भगवान के सानिध्य में जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा, या आपको जो पूछना हो वो लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।